आज के कार्यक्रम में हम दो मुद्दे डिस्कस करेंगे। एक तो ये मोहम्मद जुबैर का जो केस है, जिसमें आपने देखा ऑल्ट न्यूज़ के एक फैक्ट चेकर का किस तरीके से 6-7 FIR उनके खिलाफ की गई उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में, क्योंकि वो एक ऑलरेडी केस में 2018 के ट्वीट में नामजद थे और दिल्ली तिहाड़ जेल में जुडिशियल कस्टडी में थे। किस तरीके से उनको पहले सीतापुर लाया गया, फिर लखीमपुर का एक केस एक्टिवेट करके वहाँ पर इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वहाँ जुडिशियल कस्टडी में लिया गया। पुलिस रिमांड की एप्लीकेशन को 20 तारीख के लिए मुतवील किया गया था। उसके बाद 2 FIR और उनके नाम निकल आई, हाथरस में, गाजियाबाद में फिर 1 FIR, फिर मुजफ्फरनगर में, और उसके बाद 1-2 जगह और भी नाम निकले। करीब 7 FIR उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा की गई। उसका दूसरा सब्जेक्ट मैटर आज हम डिस्कस करेंगे कि किसान आंदोलन की आगे की भूमिका MSP कमेटी पे क्या होनी चाहिए। सरकार ने जो एक चिट्ठी भेजी, 12 तारीख की चिट्ठी 14 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों को मिली है, उसका क्या मतलब है और किसानों की आगे की लड़ाई किस तौर पे होगी, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहली चर्चा हमारी मोहम्मद जुबैर के केस को लेकर है। एक साक्षात्कार आज उनके ट्वीट के जरिए आया है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन ऑल्ट न्यूज़ की बात करता है। ये साक्षात्कार देखिए आप, इसमें इन्होंने एक अपने इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की बात की है, फैक्ट चेकिंग एक जर्नलिस्टिक व्यू है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वो 7 FIR उत्तर प्रदेश की जो है वो अब स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस का जो है उसको देखेगा। पटियाला हाउस कोर्ट में 20,000 रुपये की अग्रिम जमानत पर उनको 6 बजे जेल से रिहा कर दिया गया था परसों शाम को, क्योंकि इसमें सारे मामले जो हैं ट्वीट्स को लेकर हैं। 2018 का एक ऋषिकेश मुखर्जी की पिक्चर का एक क्लिप जिसमें वो हनुमान होटल दिखाया गया है, उसके क्लिप के ऊपर एक कंट्रोवर्सी छिड़ गई कि ये हनुमान जी की बदनामी, मतलब हनुमान जी को इसमें बदनाम किया गया है, वो आहत हुए। उसकी एक FIR 2018 के क्लिप की थी, और जिस एनोनिमस ट्वीट के जरिए वो कंप्लेंट की गई, वो ट्वीट ऑपरेटर जो थे उनका 26 तारीख को वो ट्विटर ज्वाइन करते हैं, इस पर आपत्ति करते हैं, कंप्लेंट दर्ज करते हैं, और उसके बाद वो 28 तारीख को उसको रिलीज, मतलब वो अपने आप को डिलीट भी कर लेते हैं उस ट्विटर अकाउंट से। तो वो अनोनिमस ट्वीट की कंप्लेंट पे दिल्ली पुलिस ने एक्ट किया, मोहम्मद जुबैर को अरेस्ट किया, और उसके बाद की कहानी आपने देखी किस तरीके से उनको पहले पुलिस रिमांड में, फिर जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन तिहाड़ में रखा गया, और इन बिटवीन उत्तर प्रदेश की एक FIR मामले में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने उनको, अभिनव श्रीवास्तव के सामने उनको सीतापुर में पेश किया गया, वहाँ उनको जुडिशियल कस्टडी 14 दिन की दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 8 तारीख को वेकेशन बेंच में इंद्रानी बनर्जी ने उनको 5 दिन की जमानत दी, 12 तारीख को वो जमानत जो थी वो 7 सितंबर तक हो गई अगली सुनवाई तक, और फिर लखीमपुर की FIR हुई। लखीमपुर की FIR का मामला एक साल पहले का सुदर्शन TV का कोई मस्जिद की डिपिक्शन का था कि फोटोग्राफ जो मस्जिद की थी वो मक्का की थी, उस मस्जिद की नहीं थी, और जो बॉम्बिंग दिखाई गई वो फिलिस्तीनी इसराइल के बॉर्डर की बॉम्बिंग थी, तो उसका फैक्ट चेक किया गया था, बताया गया था कि सुदर्शन टीवी किस तरीके से घृणा फैला रहा है लोगों में, और दोनों संप्रदाय का जो समुदायों का आपस में भाईचारा है उसको खराब कर रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात जो चीज़ सामने निकल के आई कि जो आदमी UP पुलिस को या DGP पुलिस को कंप्लेंट कर रहा है उसी को दोषी पाया गया, और जिसके खिलाफ कंप्लेंट थी उसके खिलाफ कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लिया गया। ये दूसरा ट्वीट आप देखिए, ये 7 अप्रैल का है, जिसमें सीतापुर वाली मस्जिद में, तीले वाली मस्जिद है खैराबाद में एक पर्टिकुलर एरिया है तीले वाली मस्जिद के आसपास का, वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वहाँ पे ये बाबा बजरंग मुनि जाते हैं और वहाँ पे तमाम सारी चीज़ें कहते हैं, मुसलमानों के बारे में गलत बात करते हैं कि मुसलमान जो यहाँ रहते हैं वो एक जानवर के बाड़े का उसको स्वरूप बताते हैं, और कहते हैं कि हमारी लड़कियों को कोई छेड़ेगा तो हम इनकी लड़कियों के साथ गलत काम करेंगे। तो इस तरह की कई बातें कही जाती हैं। शीशे वाली मस्जिद खैराबाद में 2 अप्रैल 2022 का इंसिडेंट है, 2 बजे का, ये मतलब इलेक्शन के बाद की बात है। अब आप इसमें ये वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो देखिए। हेलो, एक बार जोर से नारा लगाएंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं यहाँ कहीं काम से सुअरों का बाड़ा है, जहाँ उस सुअरों के बाड़े में मेरी हत्या के लिए 28 लाख रुपए सुअरों ने इकट्ठा किया है।
मैं एक बात बता देना चाहता हूँ तुम्हारों को कि 28 जो जन्म तुम्हारे अल्लाह ताला तुम्हारा खतना अगर आता रही है तो मैं तुम्हारा पूरा खतना कर दूंगा। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जिस बाबा बजरंग मुनि को सॉलिसिटर जनरल साहब, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब एक बाबा मानते हुए कहते हैं कि इनके बड़े फॉलोअर्स हैं, और मोहम्मद जुबैर के ट्वीट के बाद से ये वहाँ पे ऐसा माहौल पैदा हो गया जिसमें दंगा हो सकता था और लोगों को भड़काने का काम किया गया। मेरा सरकार से ये पूछना है कि अगर दंगा भड़काने के लिए एक वीडियो डाला जाता है और उस वीडियो को उत्तर प्रदेश की पुलिस, डीजीपी पुलिस और कमिश्नर पुलिस को और सीएमओ को टैग किया जाता है कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो, ऐसे घृणा के मैसेजेस जो हैं वो जिस तरह के लोग फैला रहे हैं, जो आपसी स्वभाव खराब कर रहे हैं हिंदू मुसलमानों का, तो उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। बजरंग मुनि को वो उसके 5 दिन बाद, 2 तारीख का ये ट्वीट है, जब वो एस्केलेट होता है वो 7 तारीख को थाने बुलाए जाते हैं, कुर्सी पे बैठा ले जाते हैं और अरेस्ट किए जाते हैं, और उनकी अरेस्ट के बाद उनको 2 या 3 दिन बाद मेरा ख्याल बेल भी मिल जाती है। तो जो घृणा फैला रहा है उसको बेल मिल रही है, और जो घृणा फैलाने वाले को नामजद कर रहा है उसको बता रहा है पुलिस को कि भैया आदमी ठीक काम नहीं कर रहा है, उसको आप तुरंत जेल में भेज देते हैं। तो ये इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, अगर एक आज़ादी, एक लिबर्टी आदमी के पास नहीं होगी अपनी बात कहने का, चाहे वो सोशल मीडिया हम लोग रखते क्यों हैं, सोशल मीडिया का मेन मकसद ये होता है कि इसमें हम अपनी बात कहते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई बात मुझे कहीं गलत प्राप्त हुई, या मैंने ही वो वीडियो बनाया, या वीडियो मुझे किसी से मिला और वो वीडियो को मैं फैक्ट चेक करता हूँ और वीडियो सही पाया जाता है, और उसमें मैं प्रशासन को, अधिकारियों को ये बताता हूँ कि ये वीडियो देखिए जो इन्होंने बनाया है वो गलत अंदाज से बनाया है, गलत तरीके से बनाया है, और उस पर तुरंत कार्रवाई हो, तो जो कंप्लेनेंट है उसी पे सरकार जो है वो 295 का, 153A का, 505 का केस, 120B का केस दाखिल कर देती है संगीन धाराओं में, जिसमें उसकी बेल भी ना होने पाए। और ये शुरुआत वहाँ से हुई जब गुजरात के 2002 राइट्स के केस में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाकर्ता थे, याचिकाकर्ता वहाँ के एनजीओ के थे, पीपल फॉर जस्टिस और सबरंग ट्रस्ट की महिला थी, उन्होंने वो कंप्लेंट दाखिल की जो उनके जाकिया मैडम थी, उनके जो हस्बैंड थे मेंबर पार्लियामेंट रहे जाफरी साहब का 2002 में गुजरात में राइट्स में उनको जला के मार दिया गया, और उसका केस वो सुप्रीम कोर्ट तक ले गए, प्रशासन ने उनकी हेल्प नहीं की, जब उन्होंने कॉल किए होम मिनिस्ट्री तक, दिल्ली के होम मिनिस्ट्री तक दरवाजे खड़काए, वहाँ के सीएम और सीएमओ में फ़ोन किए, वहाँ के कमिश्नर को फ़ोन किया, वहाँ के एसपी को फ़ोन किया, वहाँ के प्रशासन को फ़ोन किया, जब उनको कोई वहाँ से रिलीफ नहीं मिला तो करीब 60-70 लोगों की जान चली गई।
और वो केस हाई कोर्ट, पहले गुजरात हाई कोर्ट में लड़ा गया, फिर उसके बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट में आया, दिल्ली हाई कोर्ट में उस केस को खारिज कर दिया गया, और खारिज ही नहीं कर दिया गया, जो कंप्लेनेंट थे उन कंप्लेनेंट के खिलाफ कार्रवाई करने के भी सख्त निर्देश दिए गए। तो ये एक नया चलन शुरू हुआ कि जो कंप्लेनेंट है अगर उसकी कंप्लेंट मान लीजिए कोर्ट खारिज करती है तो उसके पास आज़ादी नहीं है, अपनी लिबर्टी नहीं है अपनी कंप्लेंट दाखिल करने की, कल को उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। और उसी कार्रवाई के चलते मोहम्मद जुबैर के केस में भी ऐसा ही हुआ। अब मैं आपको एक वीडियो और दिखाता हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। उसके मैंने शुरुआत में बोले जोश आना चाहिए आपके अंदर, गौ माता की, भगवान परशुराम की। ये पीछे वाले गुस्से में बैठे, मुझे पता है काफी टाइम हो गया, भगवान परशुराम जयंती पर सब हाथ जोड़कर नारा लगाएंगे, बोलो भगवान परशुराम की। आया ना जोश, इधर वालों नहीं लगाया गई, भगवान परशुराम की। अरे मित्र कुलदीप जी अभी बोल रहे थे, अच्छा बोलते हैं और दिल से बोलते हैं। नवीन जैन जी जेजेपी के मेरे मित्र ब्रज जी और अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिले राम जी और बुजुर्गों, नौजवानों और इस कार्यक्रम के आयोजक बंधुओं, मैं एक बात कहने आया हूं सिर्फ कि जिन जिन अधिकारियों ने, सुन लो गौरक्षक, मोनू भैया खड़े हो, जो जो गौरक्षक खड़े जरा हाथ खड़े करना, कौन कौन गौरक्षक है, ये बाकी गौरक्षक नहीं है क्या, ये सारे गौरक्षक है। मैं गौरक्षकों को सलाम नहीं करूंगा, प्रणाम करूंगा, और जो सलाम करने वाले हैं, जो गौओं को काटने वाले हैं, उनके लिए ऐलान करूंगा, मारो कूटो और तोड़ो, कानून है हरियाणा, कानून है हरियाणा में, गाय की रक्षा करना, अपनी मां की रक्षा करना। और जो अधिकारी कहता मैंने मुकदमा दर्ज कर दिया, अधिकारी को अनिल विज दाढ़ी वाले का खौफ नहीं है क्या, अनिल विज को लिखित में शिकायत करो, ये सूरज पाल अम्मू आपसे कह के जा रहा है, अधिकारी को 3 बार कलामंडी ना करा दी तो मेरा नाम सूरज पाल अम्मू ने। गौरक्षकों के ऊपर मुकदमे, किसकी हिमाकत है। आजकल लोग अपने घरों में पत्थर इकट्ठे करके रखते हैं, तलवारें इकट्ठे करके रखते हैं। मैं नवीन जैन को देख रहा था, अपना फरसा साथ लेकर चल रहा है, और भी कई मित्रों को देख रहा था, फरसा साथ रख के चल रहा था। मित्रों मैं राम का वंशज हूँ परंतु मैं परशुराम का भक्त हूँ। मैं आपसे, ये जो शख्स इस वीडियो में आपने देखा, इनका नाम है सूरज पाल अम्मू। ये पहले अपनी करनी सेना चलाते थे राजस्थान में, उसके बाद ये बीजेपी के प्रवक्ता बने। और जिन लोगों के ये नाम ले रहे हैं उन नामों में ये अनिल विज मिनिस्टर साहब हैं वहाँ के, हरियाणा सरकार के, और उसमें नवीन जयहिंद हैं जेजेपी के, उसमें जिले राम हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के प्रेसिडेंट हैं वहाँ के लोकल हरियाणा के, और कुलदीप जी, ये 4 नाम उन्होंने लिए। उसमें उन्होंने ये कहा कि अधिकारियों को सचेत किया कि जो गाय को हानि पहुंचाएगा, जो गाय को आहत करेगा या गाय को प्रताड़ित करेगा या उनको काटने का काम करेगा, उसमें अगर प्रशासन अधिकारी उसमें कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। पहले तो हम अनिल विज मिनिस्टर से कंप्लेंट करेंगे, अगर तब भी हमारी सुनवाई नहीं होगी तो जितने भी आज कार्यकर्ता यहाँ मीटिंग में बैठे हैं, परशुराम जयंती का वो उत्सव था और परशुराम जयंती में कहने लगे कि नवीन जयहिंद जी जो हैं वो खुद फरसा लेके चलते हैं, तो फरसा, तलवारें, डंडे सबके घरों में हैं। और जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई अधिकारी आपका काम नहीं कर रहा है या आपको गायें प्रताड़ित होती नजर आए, तो आप खुद हथियार अपने हाथों में ले लें और खुद सब चीजें अपने हाथों में ले लें, कानून अपने हाथों में ले लें और जो चाहे करें। ये खुला मैसेज उनका इस वीडियो के जरिए आपने देखा। आज तक सूरज पाल अम्मू पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अगर कार्रवाई हुई, यति नरसिम्हानंद, एक केस और था गाजियाबाद का, उसमें बापूधाम में दो पक्षों में कोई लड़ाई होगी पैसे के मामले को लेकर। उसमें एक महेंद्र मच्छेंद्रपुरी एक महाराज थे, वो कहने लगे कि मुझे अभी कल तो कहीं जाना है हरियाणा का, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा, उसके आते ही मैं मुसलमानों, मतलब मैं मस्जिद में घुस के मौलवी को मारूंगा, इस तरीके का बयान। और पुलिस के सामने, बापूधाम में जो पुलिस प्रशासन था, पुलिस वहां खड़ी थी, पुलिस के आला अधिकारी वहां खड़े थे, और सबके सामने खुले में उन्होंने ये बात कही।
हालांकि उसका वीडियो भी मेरे पास है, पर मैं ज्यादा हर चीज को सेंसेशनलाइज इसलिए नहीं करना चाहता कि सेंसिटिविटी में आप लोग समझने इस चीज को समझें कि ऑप्रेसर कौन है और ऑपरेशन किसके खिलाफ हो रहा है। जो ऑप्रेसर है वो आज की डेट में उसको संरक्षण मिला हुआ है अधिकारियों को ये सब बातें करने के लिए, वो जब कोर्ट के सामने पेश होता है तो उसको बेल भी मिल जाती है, और जो कंप्लेनेंट है जो इन बातों को बता रहा है जो इन बातों को कह रहा है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। गुजरात 2002 की एप्लीकेशन में आपने देखा किस तरीके से बी श्री कुमार डीजीपी को संजीव भट्ट को अरेस्ट किया गया। संजीव भट्ट पहले से अरेस्टेड हैं, आज 4 साल से जेल में हैं, उनको री पुलिस रिमांड में भेजा गया। बी श्री कुमार जो डीजीपी रहे हैं गुजरात के 75 साल के, उनको अरेस्ट कर लिया गया। और इस केस में मोहम्मद जुबैर भी अरेस्ट कर लिए। अब मोहम्मद जुबैर 21 दिन बाद जेल से छूटे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश किया तो जो एएसजी यूपी गवर्नमेंट की थी तो उन्होंने कहा कि इनको ट्वीट करने से रोकिए, जब ट्वीट करते हैं तो दंगा फैलता है। तो जज साहब ने ये कहा कि भाई मैं इनको कैसे, इनकी आज़ादी कैसे रोक सकता हूँ, इनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैसे रोक सकता हूँ, इनको अपनी बात कहने की फुल आज़ादी है, ट्विटर पर कोई भी ट्वीट कर सकता है चाहे वो जर्नलिस्ट हो या ना, इनको मैं कैसे रोक सकता हूँ। तो इस तरीके की जब बात निकल के आती है तो ऐसा लगता है कि सरकार खेल कुछ और है और खेला कुछ और हो रहा है। एक देश के 4 स्तंभ हैं, उसमें मीडिया और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा स्तंभ है। हम लोगों को आज़ादी है सोशल मीडिया में बोलने की, आज मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूँ और खुले मन से कह रहा हूँ और संवेदना से कह रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर मैं ये बात कहता हूँ तो सरकार को उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार की आड़ में कुछ लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं, एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़का रहे हैं, उनको लड़ा रहे हैं, जहां सौहार्द खराब कर रहे हैं इस देश का। इस देश की जो प्रमुख, हम लोग इस देश की जो स्ट्रेंथ बताते थे, इस देश की जो ताकत बताते थे कि हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता है हमारी, उस अनेकता को आज हमने एक सांप्रदायिक शक्ति का नाम दे दिया, एक सांप्रदायिकता का नाम दे दिया, एक एंटी नेशनल का दर्जा दे दिया, एक लड़ाई का दर्जा दे दिया। ये कहां तक ठीक है कि इस देश में जो पैदा हुआ, इस देश का नागरिक है जो आज 100-200 साल 150 साल से वो यहीं रह रहा है, तीसरी चौथी पुश्त है उसकी, उसको आप कैसे कह सकते हैं कि तुम सेकंड सिटीजन हो या इस देश के नागरिक में, उसके भी उतने राइट्स हैं जितने हमारे हैं आपके हैं। वो भी, उसको भी आज़ादी है अपनी बात कहने की, उसको भी आज़ादी है अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की, उसकी भी आज़ादी है कि ठीक है आप कहते हैं यूनिवर्सल सिविल कोड लाएंगे या CAA लाएंगे, आप यूनिवर्सल सिविल कोड की जो बेसिक डेफिनेशन है या जो भी उसकी चर्चा है वो आप पार्लियामेंट में करें। दंगा यूनिवर्सल सिविल कोड के लिए हो रहा है या राजनीतिक रोटियां सिकी जा रही हैं उस यूनिवर्सल सिविल कोड या CAA प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा पैदा हो जाता है कि इस पर हम लोगों को गुरेज करना चाहिए। अगर लेजिस्लेचर का काम है लेजिस्लेट करना, एग्जीक्यूटिव का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना, तो जो प्रशासन है, जुडिशरी है, पुलिस है, ईडी है, CBI है, उनका काम है उस लॉ को प्रोटेक्ट करना कि ताकि, और सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का और लोअर कोर्ट्स का ये काम है कि किसी भी नागरिक के जो भी उनके अधिकार हैं वो उस कानून के जरिए उन अधिकारों का हनन ना हो, किसी का एक को एडवांटेज और एक को डिसएडवांटेज ना हो, एक को फायदा और दूसरे को नुकसान ना हो। ये है हमारी कार्यप्रणाली इस देश की, या हमारा प्रजातंत्र या लोकतंत्र इस देश का जो सब लोगों के लिए बराबर का बना है, समानता के दर्जे के लिए बना है, उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना। और अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा, कार्य प्रणाली में एक समुदाय के लोगों को ज्यादा विशेष सम्मानित किया जाएगा और दूसरे समुदाय के लोगों को जो है प्रताड़ित किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है जहर घुलेगा। तो इस जहर से हम लोगों को बचना है, ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसपे हमें सोचना है, विचारना है और आगे बढ़ना है। दूसरा सब्जेक्ट मैं आपसे करना चाहता हूं कि आपने देखा 13 महीने कैसे किसानों ने अपनी लड़ाई लड़ी और किस तरीके से 3 कृषि कानून जिन पे प्राइस एश्योरेंस का एक कानून था, एक कानून था जिस पे प्राइवेट मंडियों को अधिकार दिया जा रहा था असीमित भंडारण की एसेंशियल कमोडिटीज में, आपने देखा किस तरीके से
एसेंशियल कमोडिटीज में कमी आई। आज बाजार में जाइए, तेल महंगा है, गेहूं महंगा है, चावल महंगा है, सब्जी महंगी है, फल महंगा है, हर चीज महंगी, खान पान की सारी चीजें महंगी हैं। वो इसलिए कि अगर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हटा लिया गया होता तो सीमित भंडारण की योजना आप दे देते उन कॉर्पोरेट्स को और ये सामान डबल रेट पे और बिकता, आज जो महंगाई है इससे डबल होती। तो इसके खिलाफ देश के किसान लड़े, उपभोक्ताओं के लिए लड़े, इस देश की आम जनता के लिए लड़े, इस देश की मिडिल क्लास के लिए लड़े, इस देश के गरीब लोगों के लिए लड़े। क्योंकि आपको ज्ञात हो 15 करोड़ परिवार खेती किसानी और संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज हैं उससे रहते हैं। ये जो गाय की बात की सूरजपाल अम्बू ने, भाई आप गाय पालते हैं, गाय जब तक दूध देती है उसका लालन पोषण करते हैं, उस दूध को बेच के आप परिवार कितने, मैंने आपको बताया 15 करोड़ परिवार खेती या खेती से संबंधित चीजें रखते हैं। अगर 15 करोड़ परिवार हैं तो एक परिवार के अगर 4 सदस्य भी मान लिए जाएं तो 60-70 करोड़ जनता खाली खेती से संबंधित है। अगर वो पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते हैं तो उनको पशु बेचने की भी आजादी होनी चाहिए, नए पशु खरीदने के लिए। अगर पुराने पशु नहीं बेचेंगे तो नया पशु कैसे खरीदेंगे। बाजारों में, गाँव में, ग्रामीण इलाकों में पशु बेचने खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई। ये जितने भी गौरक्षक हैं ये तलवारें डंडे लेके मोटरसाइकिलों पर गांव देहातों में चलते हैं, जहां उनको जानवर गाड़ी में ट्रांसपोर्ट करते नजर आ जाते हैं या उनको मेड़े नजर आती हैं, वो कहते हैं कि ये काटने के लिए जा रहे हैं। भाई देखिए, हमारे जो पिरामिड में बॉटम ऑफ द पिरामिड लोग, दलित समाज के लोग, शोषित समाज के लोग, उनका जीवन यापन भी इन्हीं जानवरों से होता है। खाल से जूता बनता है, चमड़ा बनता है, कई चीजें होती हैं। और इस देश में दो कानून ना होने पाए इसका सरकार ने एक यूनिवर्सल सिविल कोड या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात की, तो जानवरों के लिए भी वही यूनिवर्सल सिविल कोड होना चाहिए कि अगर नॉर्थ इंडिया में जानवर काटने की आजादी नहीं है तो ईस्ट में या साउथ में या वेस्ट में वो आजादी क्यों है। एक देश में दो रूल्स क्यों है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में गाय काटी जाती है, केरला में गाय काटी जाती है या और स्टेट्स जहां पे ये चीजें नहीं है तो वहां पर दूसरा लॉ क्यों है और यहां दूसरा लॉ क्यों है। और यहां पे मीट एक्सपोर्ट कंपनीज भी हैं, जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि बीजेपी के ही जो मेंबर पार्लियामेंट रहे और एग्जीक्यूटिव रहे वो भी पार्टनर रहे कई कंपनियों में जो मीट एक्सपोर्ट का काम करती, मुजफ्फरनगर में कंपनी है, वेस्टर्न यूपी में कितने कार्यरत हैं। बीफ एक्सपोर्ट में इंडिया नंबर 3 पर है यूएस और ब्राजील के बाद एक्सपोर्ट में। तो ये दोहरे मापदंड सिर्फ पब्लिक के लिए क्यों, मसला कुछ और है। विकास का मसला था, बेरोजगारी का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था। सरकार ने कहा था सिलेंडर महंगा हो गया है, गैस महंगी हो गई है, डॉलर 60 रुपये का हो गया, आज डॉलर 80 के पार है। गैस जो 350 रुपये सिलेंडर था आज 1000 के पार है। लोगों के पास बेरोजगारी, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, आज लोगों के पास नौकरियां नहीं है। नोटबंदी के टाइम 12.5 लाख 11.5 लाख 15.5 लाख करोड़ रुपए कहा गया था टोटल संचालन में है, जिसमें आज की डेट में कहा जाता है 35 लाख करोड़ संचालन में है। गवर्नमेंट का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जो कॉरपोरेट का कर्जा माफ किया गया, वो करीब 7.5 लाख करोड़ की तो ऑफिशियल फिगर है, अगर आप पिछले 5-7 साल का अगर आप आंकड़ा ले लें तो करीब 12.5-13 लाख करोड़ रुपए तो कर्जा माफी हो गई। और किसानों को ना कर्जा माफ किया जाता है ना उनकी उपज का उनको उचित दाम मिलता है। ये जो एमएसपी की नई कमेटी बनी है, इसमें कमेटी में वही लोग शामिल हैं जो सरकार के साथ तीनों किसानों बिलों पे उन्होंने बिल बनाए। अब संजय अग्रवाल उस कमेटी में थे जिन्होंने तीनों कृषि कानून का जो मसौदा तैयार किया जिस पे लॉ बना। उनके साथ नीति आयोग के जो सदस्य हैं वो भी उसके समर्थक हैं। जो 5 सदस्य उन्होंने किसान यूनियन के लिए हैं वो भी उनके समर्थक हैं। उसमें 2 लोग तो ऐसे हैं जो शेतकारी संगठन के जो थे उनके साथ, उनका वो उसी शेतकारी संगठन के हैं जो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई थी सरकार की रिकमेंडेशन पर। हरियाणा के भी जो सदस्य हैं जिन यूनियन के सदस्य को उन्होंने लिया, उनकी भूपेंद्र मान की, वो भी उन्होंने, खैर वो 4 में से अलग होकर उन्होंने कहा मैं
कमेटी का मॉनिटरिंग कमेटी का पार्ट नहीं बनना चाहता। अशोक गुलाटी ने वो बात जो है अपनी जो उन्होंने तैयार की थी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्योंकि तीनों कृषि कानून जो है सरकार ने वापस ले लिए तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया, पर उन्होंने उसको पब्लिश किया और उन्होंने बताया कि कैसे ये तीन कृषि कानून जो है वो लोगों के लिए अच्छे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां तक कह दिया कि हम समझाना चाहते थे पर समझा नहीं पाए। ये सब बातें हुई कि हम किसानों को समझाना चाहते थे, पर किसान ये कहता है, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं एमएसपी थी है रहेगी। अब जब ये कमेटी बनाने की बात आई तो उसमें 26 लोगों की कमेटी बना दी और 3 सदस्य मात्र एसकेएम के मांगे गए। अब वो 3 सदस्य 26 की कमेटी में कैसे अपना वीटो करेंगे, कैसे वोट करेंगे? उसमें स्वामीनाथन कमीशन की जो इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट थी C2+50, जिसको जब प्रधानमंत्री मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उन्होंने खुद इसी वकालत की थी C2+50 स्वामीनाथन फार्मूला पर इम्प्लीमेंट की जाए, उसका कोई जिक्र नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एमएसपी पे कानून बनने की बात की गई थी, जब 9 दिसंबर को चिट्ठी आई थी कि हम एमएसपी पे कानून बनाने के लिए एक कमेटी बनाएंगे, वो कानून बनाने की बात तो उन्होंने नकारी दी। और जो कृषि मंत्री तोमर साहब हैं उन्होंने कह दिया हमने तो कभी कानून बनाने की बात ही नहीं की थी। तो अब ये मामला जो है ये फंस गया, किसानों ने अपना आंदोलन उठा लिया 3 कृषि कानूनों वापस लेने के बाद, एमएसपी पे, कर्जा माफी पे, बिजली बिल अधिनियम पे और कॉम्पनसेशन के मामले को लेकर। और लखीमपुर में जो 4 किसान एक काउंटर एफआईआर में अरेस्टेड हैं, उनकी बेल एप्लीकेशन तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनी नहीं जा रही, लोअर कोर्ट में उनकी बेल रिजेक्ट होगी, 6 महीने हो गए इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनकी बेल नहीं सुनी जा रही। या तो वो बेल रिजेक्ट करें ताकि सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान लिया जाए SLP दाखिल करके कि भाई क्या करना चाहिए, पर उसमें भी उत्तर प्रदेश की सरकार जो है मामले को दबाए हुए। और इलेक्शन आते आते 2024 में ये सब बातें फिर खुल के सामने आ जाएंगी, फिर एक आंदोलन शुरू होगा। तो इतना देश के रिसोर्सेज, देश की संपदा, देश की पब्लिक प्रॉपर्टी संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर, इतना समय व्यर्थ कर आंदोलन कर ही अगर सब बातें मनवानी है तो फिर ये इलेक्शन प्रोसेस और पार्लियामेंट की जरूरत क्या है? ये 22-23 हजार 25 हजार करोड़ रुपए सेंट्रल विस्ता में खर्च करके हम लोग क्यों अपने टैक्स पेयर्स का मनी खराब कर रहे हैं? ये सवाल खड़ा हो जाता है। तो सरकार को चाहिए कि एमएसपी पे उचित दाम और कर्जा वापसी, ये 2 ही नारे किसानों के शुरू से रहे हैं। आप उनकी उपज का उचित दाम दीजिए और जो कर्जा किसान नहीं पे कर पा रहा है, अगर आप 12.5 लाख करोड़ रुपए अपने कॉरपोरेट्स का माफ कर सकते हैं, अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट का माफ कर सकते हैं, तो 2.5-3 लाख करोड़ रुपए कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है आपका। किसानों के एक टाइम कर्जे माफ कर दीजिए, उनको 4%-3% पे कर्जा मुहैया कराइए उनकी लैंड की करेक्ट वैल्यूएशन करके, ताकि वो काम कर सके। आज की डेट में 6 एकड़ जमीन पे एक ट्रैक्टर का लोन मिलता है, और उसी 6 एकड़ जमीन अगर किसी कॉरपोरेट के पास हो तो वो तो फैक्ट्री खड़ी कर लेता है। तो ये जो इम्बैलेंस है, इस इम्बैलेंस को कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता है। और देश के जो 4 स्तंभ हैं उनको इंडिपेंडेंट रह के इसी कार्य प्रणाली को, एग्जीक्यूटिव को, उनको आईना दिखाना है, उनको बताना है कि वो कहाँ गलत कर रहे हैं। जिस समुदाय के लोगों पे आहत होंगे, जो समुदाय के लोगों पे प्रताड़ण होगा, जो प्रशासन अपने सब लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे पाएगा, तो वहाँ जाहिर सी बात है कि ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। तो सरकार से मेरा अनुरोध है इन चीज़ों का संज्ञान लेकर हर आदमी को, हर इंसान को एक सिंगल रूल, एक सिंगल मारा में अगर हम इस देश को रोपेंगे तो एक बहुत बड़ा सशक्त और एक बहुत पावरफुल देश बन के हम लोग निकलेंगे। पर अगर हम यही आपस में लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, चाइना देखिए कहाँ निकल गया और हम कहाँ पर। तो इन्हीं सब थॉट्स के साथ मैं बात से विदा लेता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप इन बातों को अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने लोगों में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में इन बातों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये प्रजातंत्र है, प्रजा हम हैं और इस तंत्र को भी हम ही चलाएंगे। अगर इस बात की जिम्मेदारी हम ले लें तो ये प्रजातंत्र बहुत सुचारित तरीके से चल सकता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे आगे विदा लेता हूँ। अगले शुक्रवार को फिर किसी नए सब्जेक्ट पर मिलेंगे, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।